लेकिन मेरा मूल भाव है अनिरुद्धाचार्य महाराज कौन है? आप सबका सेवक है, आप सबका दास। ब्रज में जन्म लेना बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लोग ब्रजवासी कहते हैं। आप ब्रज में बाहर से आए, कैसे ये यात्रा रही, कहाँ से आए, कैसे शुरू हुई? हमारी जन्मभूमि जबलपुर से है, जबलपुर जिला नेवझा गांव। उस गांव में ही पले बढ़े। आज उस गांव में पुनः आने का, उस भूमि को प्रणाम करने का लाभ मिला। ये राम मंदिर हमारे गांव का, पहले बचपन में हम यहीं रहते थे, सीधे छलांग तालाब में मारा करते थे। ये सामने तालाब, घर के ठीक सामने, यहीं बचपन गुजरा है, यहीं राम जी की सेवा हुई है, हनुमान जी की सेवा हुई है। ये तालाब गांव का, इसमें खूब नहाते थे, सिंघाड़े यहीं की चुरा चुरा के खाया करते थे। और उसके बाद फिर 17 जुलाई 2006 मैं यहाँ वृंदावन आना हुआ, फिर यहीं गुरु चरणों में बैठ के पढ़ना हुआ जी, अध्ययन यहीं पूरा हुआ, यहीं चल रहा अध्ययन आज भी, अध्ययन कभी पूरा नहीं होता। यहीं फिर गुरु चरणों में बैठ के दो शब्द सीखने का, पढ़ने का अवसर मिला। और 2007 में सबसे पहली बार भागवत जी हमने अपने गांव वालों को सुनाई जी, और धीरे 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 सबको अच्छी लगी, तो आज सबको कुछ सुनाने का, कुछ सुनने का बिहारी जी ने मौका दिया। तो वो क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण आप गांव से ब्रज आए? परिस्थितियां तो अपनी जगह है, मेरी इच्छा थी। मैं अपने पिताजी से कहा करता था मुझे वृंदावन जाना है पढ़ने के लिए, उन्होंने नहीं भेजा तो फिर मैंने वहाँ स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया। एक साल तक मैं कुछ नहीं पढ़ा, तब पिताजी को लगा कि तो पढ़ेगा नहीं, मेरी जिद थी कि मेरे को वृंदावन जाना, और वो भेजना नहीं चाहते थे मेरी, तो फिर जिद हुई, एक साल तक पढ़े नहीं, फिर गाय चराते रहे एक साल तक। चले, गौ माता की कृपा हुई और बिहारी जी ने बुलाया, स्वीकार किया, और फिर भागवत जी पढ़ने हम आए। तो घर में क्या ऐसा धार्मिक माहौल नहीं था या डर था बच्चा है? नहीं, घर में तो माहौल धार्मिक था, मेरे पिताजी तो बहुत बड़े पूजा पाठ करते थे, आज भी करते हैं जी। हम लोग मंदिर के पुजारी थे, गाँव में एक मंदिर है उसके पुजारी पिताजी थे। अच्छा, हम भी पूजा करते थे मंदिर में जी, गाय चराते थे जी। और बचपन भिक्षा मांग कर गुजरता था, गाँव में भिक्षा मांगते थे। अच्छा, घर घर जा कर के भिक्षाटन करते थे, तो ही घर में चूल्हा जलता था। मेरी इच्छा थी पढ़ने की, पर मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जबलपुर से वृंदावन का किराया उठा सकें ट्रेन का, कोई आइडिया नहीं था, यहाँ कोई था नहीं सपोर्ट, कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे। तो पिताजी भी अपनी जगह सही थी बिल्कुल, ये वो कहाँ रखते, पर बिहारी जी को बुलाना था, तो फिर रास्ता बनते गए और बिहारी जी ने बुलाया।